सात जुलाई को पैदा होके सात नंबर की जर्सी पहन के अनहोनी को जो कर दे होनी, उसी का नाम महेंद्र सिंह धोनी। गाइस, पांच आईपीएल और तीन आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट जीतने वाला ये खिलाड़ी जब मैदान पर उतरता है तो पूरा स्टेडियम धोनी की आवाजों से गूंज उठता है। धोनी सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक इमोशन है। आज हमारे धोनी भाई का बर्थडे है तो चलिए जानते हैं धोनी के कुछ बवाल फैक्ट्स। वो कहते हैं ना कि असली हीरे की परख जोरी को होती है और धोनी एक बहुत ही पारखी जोरी है। कुछ इसी तरह से धोनी ने भी खिलाड़ियों को तलाशने और साथ ही साथ उन्हें तराशने का काम किया है, जिसका ताजा एग्जाम्पल अजिंक्य रहाणे हैं। जब रहाणे पर कोई भी टीम बिड नहीं लगा रही थी तो उस समय धोनी ने अपनी फ्रेंचाइज से रहाणे को अपनी टीम में शामिल करने को कहा और इस साल की आईपीएल में रहाणे ने मात्र 19 गेंदों पे 50 मार दी थी। कुछ दिनों पहले उनका फ्लाइट में कैंडी क्रश गेम खेलते हुए वीडियो वायरल हो गया था, जिसके सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही कैंडी क्रश के 35 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो गए थे। इतनी सक्सेस के बावजूद भी इतना ठहराव और इतनी कामनेस शायद ही किसी खिलाड़ी में देखने को मिलती है। हैप्पी बर्थडे धोनी, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की जब भी बात आती है तो लोग कपिल देव का ही नाम लेते हैं, पर भारतीय टीम में एक खिलाड़ी ऐसा भी था जो अगर परफॉर्म ना करता तो शायद वो वर्ल्ड कप इंडिया कभी नहीं जीत पाता। ये वो खिलाड़ी था जिसने 1983 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच जीता था, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत ही कम लोग उस खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। ये वो खिलाड़ी था जिसने साल 1983 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 40 रन बनाए और 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच जीता और भारत को फाइनल तक पहुंचाया। यही नहीं, जब फाइनल मैच में कपिल देव ने विव रिचर्ड्स का कैच लेकर मैच का पासा पलटा था, तब उसी मैच में इस खिलाड़ी ने 23 रन बनाए और 3 मुश्किल विकेट निकाले थे और मैन ऑफ द मैच अपने नाम कर लिया था। साथ ही पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी इस खिलाड़ी को दिया गया था। उस खिलाड़ी का नाम है मोहिंदर अमरनाथ, जिसे प्यार से लोग जिमी के नाम से पुकारते हैं। गाइस, कोई भी मैच अकेला एक खिलाड़ी नहीं जिता सकता, उसके लिए पूरी टीम के एफर्ट्स लगते हैं। इसलिए जिस तरह से हम कपिल देव का सम्मान करते उसी तरह से हमें मोहिंदर अमरनाथ और बाकी खिलाड़ियों का भी सम्मान करना चाहिए। अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मैच के दौरान ऐसा क्या हुआ कि लोग धोनी को याद करने लगे? दरअसल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बैट्समैन जोनी बेस्टो ने कैमरून ग्रीन की गेंद खेली जो कि बल्ले से लगी ही नहीं और सीधे विकेट कीपर कैरी के हाथ में चली गई। ये देखते ही वो क्रीज से दूसरे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी से बात करने के लिए बाहर निकले, लेकिन मौका देखते ही ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने धोखे से उन्हें स्टंप आउट कर दिया। अब नियम तो ये कहता है कि बल्लेबाज को क्रीज से बाहर निकलने से पहले या तो विकेट कीपर या अंपायर को हाथ से इशारा करना होता है, पर बेस्टो ये भूल गए और अंपायर ने भी उन्हें आउट दे दिया और बेचारा बेस्टो ये सोचता रहा कि वो आउट क्यों हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया कप्तान चाहता तो बेस्टो को वापस बुला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके लिए शायद खेल भावना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैच को जीतना, पर हमारे एमएस धोनी के लिए नहीं। क्योंकि 2011 में इंडिया और इंग्लैंड के मैच के दौरान भी बैट्समैन इयान बेल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन धोनी ने बड़ा दिल दिखाते हुए इयान बेल को वापस बुला लिया था। इसी वजह से उन्हें 2011 में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था।